हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो आज मुझे तीन जगह पर जाना है। एक्चुअली इस साल हमारी राखी नहीं है, सो यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से राखी हमें पहले ही एडवांस में देके आनी होती है। तो एंजू का जो बड़ा भाई है, हमें उसके लिए लेकर जानी है। फिर दीदी ने भी बोला कि घर आ जाना, तो दीदी के घर भी जाना है। और अभी मोर इम्पॉर्टेंट, उससे पहले मुझे अनदर टास्क उससे पहले मुझे जाना है थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि इंजू के पास लास्ट ईयर के विंटर क्लोथ्स हैं और यहाँ पे देहरादून में मौसम होता जा रहा है, चेंज होती जा रही है ठंड। यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं होता, कभी भी ठंड होती है, कभी भी गर्मी होती है, बट स्टिल मुझे उसके लिए लेने हैं इन शॉर्ट न्यू क्लोथ। सो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और सोचा निकलती हूँ टाइम से। बट हमारी एंजू जी सो रही थी अभी तक। ऑल ऑफ अ सडन मैं अपने रूम में आई, मैंने जस्ट अलमीरा ओपन किया क्लोथ्स के लिए और वो उठ गई। एनीवेज नेवरदलेस मिस्टर ध्यानी विल टेक केयर ऑफ हर। सो मुझे हार्डली हाफ एन आवर और वन आवर लगेगा जाकर आने में। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं और शॉपिंग करके आते हैं थोड़ी सी एंजू के लिए, और कुछ देखती हूँ शायद मुझे मेरे लिए भी मिल जाए। मैं आई हूँ घर के बहुत ही पास वाले मॉल में, ट्रेंड्स में। इंचू के लिए कपड़े लेकर मैं निकल गई थी घर जल्दी ही। शी इज सच अ पोजर। इंजू और मम्मा रेडी होकर जा रहे हैं भैया के घर में। इंजू राखी देने जा रहा है अपने भैया को, है ना? इंजू राखी देगा? इंजू राखी देगा? मस्त होकर फुल ऑन बैठी हुई है बस मैडम। एंजलू पहुंच गई है अपनी दादी के घर अपने भैया को राखी देने के लिए। भाभी ने सारे टॉयज निकाल कर दे दिए और बच्चे अब खेल रहे हैं टॉयज के साथ। बच्चों को और क्या चाहिए, टॉयज और एक कंपनी। और ये है हमारी एंजू के भैजी, देव भैजी। बहुत शैतान है। क्या बोला था आपने अभी? क्या आप इसको चॉकलेट नहीं देते हो? है ना, ऐसे बोला था ना, बोल के दिखा एक बार। आप इसको चॉकलेट क्यों नहीं देते? देना चाहिए उसको चॉकलेट। इसको सारी चॉकलेट इसकी मम्मी खा जाती है बेटा, बट वो भी खाती है, ज्यादा नहीं देते। इंजू चौकी खाई? इंजू कहाँ जा रहा है? इंजू डॉगी देखने जा रहा है? देवू अपना डॉगी दिखाओ इंजू को। इंजू शो योर डॉगी। और हमारी एंजले के तो वैसे भी एनिमल्स बहुत सारे पसंद है और उसके पापा ने बहुत सारे पाल भी रखे हैं। मुझे तो कभी कभार लगता है हमारा घर कभी जू ही ना बन जाए। इंजू ले लो। आहा। इंजू
ले पैसे ले। लेने के लिए दादी से पैसे लेने के लिए तो है, जब दादी रिटर्न में वापस मांग रही है तो दे नहीं रही और दादी को घुमाने में लगी हुई है। बहुत आजकल के बच्चे स्मार्ट है ना। पैसे उठा लिए, अब वापस दे रही है, अब आपको वापस दे रही है। ये दे। ओ नहीं, पापा को दे रही है। एंजल का ये रूप तो हमने पहली बार देखा था, मतलब लिटरली शी वॉज फोल्डिंग हर हैंड एंड स्टैंडिंग लाइक सी हाउ क्यूट शी इज लुकिंग नाउ। बहुत नौटंकी है। गिफ्ट टू भैया, गिफ्ट टू देव भैया, भैया 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 को दो इंजू, हाँ दो इंजू भैया को दे दो। भैया पास आ जाना, थोड़ी सी थोड़ी सी पास आ जा। आए आए आहा, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन टू बोथ ऑफ यू। किसी तो कर दे बुल्ली को। देव देव बुल्ली की एक्चुअली देव बिजी है अपनी वॉच देख, नहीं वो राखी देखने में। देव बुल्ली को ये मेरी माँ ये। सो यहाँ पे मिस्टर देव बिजी हैं अपनी राखी को देखने में, बिकॉज उनसे ऑन ही नहीं हो रहा था उसका लाइट का स्विच। मेरे को दे दो, ताईजी को दे दो, प्लीज गिव मी इंजू, प्लीज गिव मी। किसी को रेडी नहीं है पैसे देके। प्लीज गिव मी, थैंक यू, प्लीज गिव मी। पोपट बना दिया। बाय बाय टू एवरीवन, बाय 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 बाय। सो अब इवनिंग के बज चुके हैं 7:30 एंड इंजू मैडम जा रही हैं अपने दूसरे भैया के घर में राखी देने के लिए, है ना इंजू। इंजू पहुंच चुकी है अब अपनी बुआ के घर में अपने बड़े भैया को राखी देने के लिए। ये छोटे से बच्चे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है जानवरों से, एकदम पास चले जाती है उनके। इंजू इंजू कहाँ आया है, इंजू कितने आया शी, इंजू बुआ घर आया शी। गिव दिस टू भैजी, इंजू भैजी को दे दो। बोल ना ऐसे, बोल ला ला ऐसे, बोल ला ला ऐसे, बोल ला। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना मस्ती करना है, खेलना है, कूदना है। भाई हमारी लाइफ ऐसे क्यों नहीं होती। इंजू व्हाट आर यू डूइंग, नो नाउ टाइम टू गो बैक टू होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।
एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. थैंक यू.